मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2023 के अंत में होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक जोखिम भरी राह पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। चुनौती दोहरी है, भाजपा के मूल कैडर से तनातनी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सबसे ज्यादा घेराबंदी इन्हीं की सीटों पर कर रही है। दरअसल मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन के समय सिंधिया के साथ 22 विधायक मंत्री कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल साहू और एंदल सिंह कंसाना सिंधिया खेमे के न होने के बावजूद साथ आ गए थे। 19 विधायक मंत्री सिंधिया समर्थक थे। अब चुनौती इन 19 मंत्रियों के सामने ही है। डंग व बिसाहूलाल मंत्री हैं, इनके टिकट की दावेदारी मजबूत है। एंदल सिंह चुनाव हार गए थे, अभी एमपी एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनके लिए टिकट की राह आसान नहीं है। हार का गणित, जिन 19 मंत्री विधायकों ने उपचुनाव लड़ा उनमें से 7 सिंधिया समर्थक हार गए थे। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 भाजपा और 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 9 सीटों में से 6 पर सिंधिया समर्थक को हार का सामना करना पड़ा। सिंधिया समर्थकों के लिए कांटों की भरी राह दूसरे नेताओं से ज्यादा है। मसलन 6 मंत्री अभी पावरफुल हैं, बावजूद इसके सीटों पर दोहरी घेराबंदी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट सांवेर से हैं लेकिन भाजपा में अंतर विरोध है, सोनकर परिवार ताल ठोक रहा है। मंत्री राजवर्धन सिंह के खिलाफ बदनावर सीट पर भाजपा के पूर्व मंत्री भंवर सिंह शेखावत विरोध कर रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी में भाजपा के ही नेताओं का विरोध परेशान कर रहा है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की राह भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया के कारण आसान नहीं है। सिंधिया अपने समर्थकों के टिकट और चुनावी बिसात के लिए संयम समन्वय की राजनीति कर रहे हैं। बीते दिनों सिंधिया समर्थकों की बैठक लेकर समन्वय की राह आसान नहीं दिखी। सिंधिया की भाजपा में शीर्ष नेतृत्व से बेहतर पकड़ के कारण भाजपा नेता भी समन्वय कर रहे हैं, टिकट की राह आसान नहीं। रघुराज सिंह कंसाना मुरैना से पूर्व मंत्री उपचुनाव की हार के बाद पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। इमरती देवी डबरा पूर्व मंत्री कांग्रेस के सुरेश राजे से उपचुनाव हारी, सरकार ने लघु उद्योग निगम अध्यक्ष बनाया। गिरिराज दंडोतिया दिमनी से पूर्व मंत्री उपचुनाव हारने के बाद ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष बनाए गए। मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व उपचुनाव हारने के बाद राज्य बीज विकास निगम अध्यक्ष बनाया गया। रणवीर जाटव गोहम उपचुनाव हार के बाद हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अध्यक्ष बनाया गया। जसवंत जाटव केशव पशुधन एवं कुक्कटम निगम के अध्यक्ष बनाए गए। तो मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा थोड़ी सी असमंजस स्थिति में है, क्योंकि सिंधिया गुट को अपने बेगाने दोनों से खतरा है।